मैं सोच रहा था, मैं घर वालों को बोला भी था कि बुलेट लेके जाऊँ क्या। भाई साहब ये तो भाई पूरी गाड़ी खोल दिया। उस पर उम्मीद थी कि वो खराब नहीं होगा, पर वो भी गया। बड़े भाई कभी भी गाड़ी खड़ी करो, हाँ, गाड़ी का पूरा पेट्रोल खत्म कर। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग में कल का कहाँ एंड हुआ था। 100 साल हो गए बाइक के इंतजार में, बाइक ही नहीं मिली अभी। बाइक लेके गए, कल तो खोली नहीं, कल तो देखी नहीं, लेके चले गए बस। आज अभी फोन किया 11 बजे, बोले सर कहाँ है बाइक, जरा देखते हैं। अच्छा लग रही है, अभी लगाई नहीं है, लगाएंगे, लगाने के बाद चेक करेंगे फिर बताएंगे। तो मैंने बोला ये काम करेंगे 100 साल बाद, यानी कि आज कौन सा सन चल रहा है, 2021, 3021 में इनका फोन आएगा मुझे और ये बोलेंगे कि सर बाइक रेडी हो गई है आ जाओ। मैं सर्विस स्टेशन चला जाता हूँ, वहीं बैठता हूँ, वहीं खाना खाऊंगा, एक दरी ले जाता हूँ ताकि ये लोग काम थोड़ा जल्दी करते। खाना मंगाया था उसमें से थोड़ी सी दही बच रही थी। कम हो गई क्या? नहीं। ओ केले भी हैं, केले भी हैं काके, तो हम लोग खाएंगे। बैटरी नहीं होगी ना अभी, 1,28,000 वो डबल डिस्क। यहाँ पे तो हो गई एक दिक्कत, हेडवॉल उसके बैंड है, तो हेडवॉल इन लोगों के पास नहीं है। इन लोगों ने ऑर्डर किए हैं, ऑर्डर आएगा, बोल रहे 7 दिन तो मैक्स है, और अगर कहीं नियर बाई डीलरशिप के पास मिल गया तो जल्दी काम हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है तो मेरा बहुत बहुत दिक्कत है भाई, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, ये दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब सब जुड़ा पड़ा है। इधर भी जाओ गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी मैं समझ लो 2-4 दिन के लिए तो फिर बंद गया फ्लैट के अंदर। गाड़ी नहीं होगी तो कहीं जाऊंगा नहीं, राइड नहीं होगी। वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स तो बोल रहे हैं कि भाई मेरी गन मेटल ले जाओ, ये ले जाओ, पर नहीं यार वो दिक्कत वाले काम है भाई, कोई बात हो गई। गाड़ियों का झमेला बहुत होता है, अपनी गाड़ी रहे तो ही ठीक है। इससे अच्छा तो मैं सोच रहा था मैं स्विफ्ट डिजायर से आ जाता, यहीं लगा के चला जाता, फिर फैमिली तो आती। चलो अभी दोबारा 100 रुपए का पत्ता निकालते हैं और घर जाते हैं। फल ले लिया मैंने घर के लिए, सुबह सुबह मैं फल ही खाता हूँ 1-2-3 बजे तक। 3 बजे भूख लगी तो खाना, नहीं तो फिर कुछ नहीं, सीधा रात को एक बार खाना। फल वाली बोल रही थी चलने की आदत है तो चलियो, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे गर्मी में। अरे मैंने बोला कमाल है। नेटफ्लिक्स देख रहा था, सब सर्च कर रहा था भाई। ओ भाई साहब एकदम से गया ट्रेंडिंग नाउ, ट्रेंडिंग नाउ पे देखो मनी हीस्ट न्यू एपिसोड। भाई ये तो पूरी गाड़ी खोल दी। भाई साहब ये तो भाई पूरी गाड़ी खोल दी यार। खुद ही के हाथों से खुद ही की बकरी को हलाल कर दिया मैंने। इंजन में जो अपना सिलेंडर किट होती है वो बदलेगी, बेल्ट बदलेगी, उसके बाद ऊपर के जो वॉल्व है वो बदलेंगे। मैंने ही इस इंजन को अपने हाथों से सीज कर दिया। एक ही चीज बच रही थी भाई, कार्बोरेटर। उस पर उम्मीद थी कि वो खराब नहीं होगा, पर वो भी गया। गाड़ी खड़ी करो, हाँ, गाड़ी का पूरा पेट्रोल खत्म कर। अच्छा कार्बोरेटर में पेट्रोल रह गया तो ये समझ लो कार्बोरेटर 100% जाएगा ही जाएगा। अच्छा हाँ, ये गाड़ी तो का पेट्रोल लॉक करा और कार्बोरेटर में जितना पेट्रोल है पूरा खत्म कर लो। अच्छा तब गाड़ी खड़ी कर। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई यार, मतलब पूरा सुखा दो पूरी गाड़ी है। हाँ। जब तक बंद ना हो जाती। हाँ। उसके बाद गाड़ी को लगो लॉन्ग टर्म के लिए। 1 महीने के लिए भी खड़ी कर रहे हो ना। हाँ खत्म करके। अच्छा 1 महीने के लिए भी लगा रहे हो तो भाई खत्म कर दो पेट्रोल। भाई साहब इतना काम निकला ना गाड़ी में, इतना काम निकला क्या बताऊं यार। चलो लेकिन शोरूम जैसी बन गई। 9,000 का बिल बन गया भाई। इतना सब होने के बाद ये जो
चाबी है ये लॉक नहीं हो रही, मतलब गाड़ी लॉक ही नहीं हो रही रहता है। सिलेंडर किट पूरी चेंज हुई है, वॉल चेंज हुआ है, जो ये आता है ये देखो ऑन ऑफ करने वाला, ये पूरा किट बदली है, फिर बेल्ट बदली है भाई, सब बदल दिया यार, सब कुछ नया डालना पड़ा। क्योंकि उसने बोला कि जब तुमने गाड़ी खड़ी की तो गाड़ी के अंदर से पूरा पेट्रोल सुखा कर बहुत पैसे दे दिए भाई, बहुत पैसे दे दिए रिक्शा वालों को 100-100 रुपए। अब इस गाड़ी में आज कुछ सच बताऊं मैं, 95 के एवरेज क्लेम कर रही है कंपनी। कंपनी बोल रही है टीवीएस स्पोर्ट्स का जो एवरेज है वो 95 किलोमीटर पर लीटर का है, लेकिन मैं बोलूं अंदाजे से 80 तक या 75 तक तो दे देगी। हाँ, लेकिन अभी ये लॉक नहीं हो रही है। अरे इसे दिखा लेते हैं भाई, ये जब दी थी गाड़ी तब तो लॉक हो रही थी, अब लॉक ना हो रही। एसी भी कौन सी बात हो गई, लॉक तो होनी चाहिए ना गाड़ी, रात बेरात। हटाइयो, किधर है अपना अपना राजू सेठ। अरे भाई ये हैंडल लॉक नहीं हो रहा यार, इसका हैंडल लॉक नहीं हो रहा, हैंडल नहीं। जब मैंने दी थी तो हो रहा था ना, जब ये घर से उठा के लाए थे ना मेरे, तब हो रहा था हैंडल लॉक, पता नहीं क्या हो गया। ये उधर उधर मुंह करके हो है, ऑयलिंग की दिक्कत हो रही है मत गाड़ी भाई, बता रहा हूँ दोबारा से भाई, पड़ जाएगा भाई। पहले नहीं नहीं ये बता दो मुझे बस, किस से आगे नहीं जानी चाहिए, 45 से ऊपर नहीं जाएगी। हाँ इधर करके करूँ तो अच्छा, ऑयलिंग की दिक्कत हो रही है हर जगह, कमाल कर रही गाड़ी। RTR 160 तो हो गया, हो गया हो गया, वो ऑयलिंग की दिक्कत हो रही थी, ऑयलिंग की। हाँ जब लेने आया था तो मेरे पास थे भाई 50,000 रुपए, तो मेरे को एवरेज देख रहा था उस समय ये सब शौकबाजी नहीं थी, एवरेज देख रहा मैं, 95 का एवरेज दे रही कंपनी, बाप रे बाप। मैं बोला 80 का तो दे देगी भाई, क्या करना इतने बड़े शहर में घूमना है। अपाची का भी थोड़ा सा मन आ रहा था, लेकिन अपाची का एवरेज मैं एवरेज पे देखने का भाई उस समय बहुत ध्यान देता था भाई। ऑयलिंग मार दिया ना, ये पूरा क्लच तक पूरा ऑयल 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 आ रहा है पूरा भाई। भगा मत देना भाई, गलती से भगा मत देना, पहली बता रहा हूँ ऐसा कह रहा है भाई। मैंने बोला अरे नहीं भगाऊंगा यार, कितना भगाऊंगा भाई, 45 से ऊपर जानी नहीं चाहिए, 500 किलोमीटर तक, नहीं तो फिर जाम हो जाएगा, फिर ब्लॉक हो जाएगा। ट्यूजडे के दिन हनुमान जी के दिन सोसाइटी का जिम बंद रहता है, तो हम लोग जाएंगे कल गोल्ड जिम। गोल्ड जिम कैसे जाएंगे, अंदर एंट्री कैसे मिलेगी, ये तो आप लोगों को मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ अभी पुरानी जगहों पे, जहाँ पे मैंने बहुत दिन निकाले भाई, सोलो अकेले सालों साल निकाले भाई। यहाँ की सर्दियाँ देखी हैं, गर्मियाँ देखी हैं, बहुत जिम पूरा बॉडी बिल्डिंग करी है यहाँ मैंने तकड़े। अंडे वाला तो ऐसा था ना, रोज के 10-15 अंडे। पहले तो यार एक समोसा खाएंगे भाई, बहुत बढ़िया बनाता है यार, चटनी और दही सब सामने रख देता है, पूरी कढ़ाई भर के जितना लेना है मर्जी ले लो 10 रुपए में। ऐसी लाखों लाखों चीज़ें हैं जो भाई दिल्ली में मिलेगी। 2013 में यहाँ से घूमता था भाई, मैं यहाँ से इसी सड़क से ऐसे जाता था इस बाइक को लेके, कभी नहीं सोचा था भाई 2021 में ऐसे ही जाऊँगा भाई। एक पालक का जूस हो जाए, थोड़ी ताकत आएगी, बाइसेप मारना है, कल शोल्डर था, पूरे शोल्डर दुख। मिक्स बना दो मिक्स। ये क्या दे रहा है भाई, दाल बाटी, मोमोज चिकन मटन। ये भाई के हाथ में देखो, भाई के हाथ में, हर एक के हाथ सब खा रहे भाई। अंडे वाले देखो, अंडे वाले, अरे खाने पीने की मौज है। अभी तो कुछ नहीं, दिसंबर जनवरी में तुमको जो दिखाऊंगा ना मैं, शरीर को लगता है हजम होता है, मतलब मैं पूरा पसीने में भीगा हुआ हूँ अभी बाइक पे ही। आपका शरीर ना मना नहीं करेगा, फटाफट पचाएगा। तो यारो अपनी खुद की बकरी को खुद ही के हाथों से हलाल किया मैंने, और फिर उस पे खर्चा किया। आज के ब्लॉग को हम लोग यही एंड करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बहुत जबरदस्त नोटिस कर रहा हूँ, लोग जानते हैं ये कि क्या है, ये कैमरा क्या लग रहा है। दिल्ली में ना ये लेन पे आना था, तो जब आते समय वहां से मैंने ये लेन पे डाला, वो देखो राइट साइड में पुलिस वाले खड़े हैं। तो मेरे को सर्विस रोड पे जाना था, बट वहां पे आगे देखा मैंने कि नो एंट्री लिखी है भाई, मेरे को पकड़ने को था उछलने को। इतने में मैंने राइट मार लिया, फिर से इधर लग गया, फिर आगे से यू टर्न मार के आया, फिर गया। तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं व्लॉगिंग को, जैसे ही कैमरा देख रहे हैं मेरे हेलमेट पे, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई बंदा यूट्यूब कर रहा है या यूट्यूब पे व्लॉग बनाता है। मतलब वो दिन नहीं है कि मतलब कोई कैमरे के सामने कुछ बोल रहा है तो लोग है
मुंह फट गए और चार पांच मक्खियां घुस गई, वो वाले काम नहीं है भाई। ये व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं ऐसे ही किसी, अरे यार रुक जा यार, बुलेट की याद आ रही है, कसम से याद आ रही है बुलेट की। मैं सोच रहा था, मैं घर वालों को बोला भी था कि बुलेट लेके जाऊँ क्या, तो घर वालों ने बोला अरे यार फिर तूने उसमें इंदौरी लगाया, फिर तो उसमें वो करेगा, वो बदलेगा, फिर वो लगाएगा। ट्रेन से चले जा, अपनी गाड़ी रखी है, उस गाड़ी को ठीक कर पहले, नहीं तो वो खड़े इतना खर्चा, 9000 का खर्चा तो निकाल दिया इसने अभी तक। 4-5 साल और रखता तो और खर्चा निकाल देती। तो मैंने सोचा चल यार ठीक है, अभी तो मेरे दिमाग में तो इतना कुछ घूम रहा है। सबसे पहले तो इसका पेपर मैं अपनी जेब में रखता हूँ, लाइसेंस अच्छे से रखता हूँ जेब में, क्योंकि भाई दिल्ली में कोई भी पकड़ के पेपर पूछेगा सबसे पहले। तो नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे, सलूट, शुभ अगर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर योर ड्रीम्स, गुड नाइट। और भाई एक बहुत ही अच्छा रास्ता है पार्किंग का, लेकिन मैंने पार्किंग ले नहीं रखी है। 3 लाख रुपए की पार्किंग है। रास्ता है ऐसा कि अगर मैं गाड़ी को यहाँ खड़ा करूँ, ये अभी मैं पार्किंग में आ गया, ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये सीढ़ियाँ सीधा जा रही हैं मेरे फ्लैट के सामने, ये वाली। तो अगर बाइक मैं यहाँ लगाऊँ, लेकिन मुझे सिक्योरिटी गार्ड वाले ने रोकना नहीं चाहिए। ये मैंने अगर गाड़ी यहाँ लगा दी, ये देखो यहाँ मैंने गाड़ी लॉक करी, ओके, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, और यहाँ से हम चल दिए सीधा सामने। यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, बहुत सेफ्टी, यहाँ तो चैन मार दूँगा। तो यहाँ से देखिए मेरी गाड़ी दिख रही है, और यहीं पे अपनी स्विफ्ट डिज़ायर भी आ जाएगी। तो यहाँ से मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, मतलब एंट्रेंस वाले पे जो सिक्योरिटी गार्ड, उसको पता नहीं चलेगा मैं कब इन हुआ कब आउट हुआ, लेकिन पार्किंग में कैमरों में मैं आ जाऊँगा। और ये सीधी एंट्री बिल्डिंग में, जो सेंटर में लिफ्ट है, लिफ्ट के एकदम सामने सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, उसके उसे पता ही नहीं मैं कभी नहीं आउट हुआ। सीधा 2 फ्लोर नीचे उतरना है, इसके नीचे मेरी बाइक खड़ी है, 2 फ्लोर ऊपर अपना घर।